तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन को ये क्या हुआ। गोद में बच्चा लिए रोती बलखती दिखी दिशा वकानी। दिशा वकानी का हाल देख कांप जाएगी रूह। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी का ये हाल देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिशा वकानी एक बच्चे को गोद में लिए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वो अपनी दर्दनाक कहानी सुना रही है जिसमें उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दयाबेन को ऐसी हालत में देखकर उनके फैंस भी काफी परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ये पूछ रहे हैं कि दयाबेन का ये हाल किसने बनाया और उनकी गोद में नजर आ रहा ये बच्चा आखिर कौन है, आखिर दयाबेन की ऐसी हालत कैसे हुई। जानी एक्ट्रेस के इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई। बता दें कि दिशा वकानी की ये वायरल वीडियो साल 2008 में आई फिल्म सी कंपनी के एक सीन की है। इस फिल्म में तुषार कपूर और अनुपम खेर लीड रोल में थे। इस फिल्म में तुषार एक पत्रकार होते हैं, वो दुनिया के सामने दिशा वकानी की आप बीती सुना रहे होते हैं। अब सालों पुराना दिशा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि दयाबेन के रोल में नजर आने वाली दिशा वकानी पहले कई फिल्म, टीवी सीरियल, म्यूजिक वीडियोस और एड में देखी गई है, पर तब लोगों ने उनके किरदार पर इतना ध्यान नहीं दिया। दिशा वकानी को असली पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से मिली। इस सीरियल में दयाबेन के किरदार से दिशा वकानी ने सबका दिल जीत लिया। हालांकि बीते 5 सालों से फैंस को शो में दयाबेन के किरदार को देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में हर किरदार खास है और बेहद अनूठा है, लेकिन दयाबेन का रोल सबसे ज्यादा दिलचस्प है और इस किरदार को इतना मजेदार बनाने का श्रेय शो के लेखकों के साथ साथ दिशा वकानी को भी जाता है, जिन्होंने अपनी उम्दा अदाकारी से इस रोल को आइकॉनिक बना दिया। क्योंकि दिशा वकानी पिछले 5 सालों से दयाबेन शो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दिशा वकानी मैटरनिटी ब्रेक लीव पर थी, वहीं हाल ही में वो दूसरी बार मां बनी है। ऐसे में शो में उनका लौटना फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा है, लेकिन आज भी फैंस को तारक मेहता में उनकी कमी जरूर खलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।